हेलो एंड वेलकम टू शुभम मेगा टीचर। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग इस बात करें तेलंगाना स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 2019 में क्या कुछ पास परसेंटेज था और कैसे जो डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मेरा एक वीडियो है तो इसको बनाना पड़ा आपको दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। अगर आप लोग में से समझ लीजिए, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 2019 में टोटल नंबर अपेयर हुए थे आपका 382,534। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए थे 247,755। ओवरऑल पास परसेंटेज था 64.8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर हुए थे वोकेशनल कोर्सेज में 35,737 एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए थे 24,994। और ओवरऑल पास परसेंटेज था 67.97, मतलब 67% था। ठीक है, और मान लो आप में से किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो गुड, बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, अगर आप में से किसी का रिजल्ट अगर ख़राब होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता, आप जो 40% कर रहे थे, तो ये लाइफ का बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला बात, और एग्ज़ाम से कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ एक आपका आसपास पड़ोस में जो है उनको अच्छा लगता है और साथ ही साथ आपका मम्मी पापा को बोलने में अच्छा लगता है। लेकिन आप जो करना सकते हो गैजुएशन में आके फोड़ दो, मतलब गैजुएशन में आके आप तैयारी करो। ठीक है, आप किसी भी स्पेशल, आप अगर गैजुएशन भी नहीं करते हो, आप एक रिसेंट आर्टिकल आया था गूगल का, आप अगर किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो आप लोग जानते हैं, अगर जान जाइएगा अभी लैंग्वेज होता है, मतलब कंप्यूटर में बेसिकली जावा होता है, पाइथन होता है, C++ होता है, आर लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज होता है। किसी में आप एक्सपर्ट होते हैं या डीप लर्निंग में AI बहुत सारा है, आप किसी में एक्सपर्ट अगर हो गए तो आप जो है कहीं भी जॉब पा सकते हैं। उनका ऑफ कैंपस होता है, ऑफ कैंपस के बाद आपको बहुत सारे प्रोसेस है, अगर जानना चाहते हैं तो बता देंगे। तो यही था, मतलब आपको ऑफिन मत होना है, आप चाहिए तो बाद में जो है अपना एक स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, आप दूसरों को नौकरी भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाएं तो आप रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा, जब भी रिज़ल्ट आउट होगा, अभी तक टाइम नहीं बताया गया है, बहुत जल्द ही डाउनलोड होगा, आउट होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर एक बॉक्स होगा 12th इंटरमीडिएट रिजल्ट का, और बॉक्स में आपको क्लिक करना है। बॉक्स में क्लिक करने के बाद वहाँ पर से आपका हॉल टिकट नंबर और नाम आपको पूछा जाएगा, उसको जो है वहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं पास में कहीं जाकर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यही था, और आपका जब भी एग्ज़ाम जब भी आएगा रिज़ल्ट, उसमें क्या कुछ आएगा इसके आगे वीडियो में बता दिए थे, उसको फिर से नहीं बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर से देख सकते हैं, वही सब था तेलंगाना स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड में जो है सेकंड इंटरमीडिएट में है, 16 जून को यहाँ पर से रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे द्वारा जो कुछ बताया गया सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।